हेलो गाइस, अनुकुल के इस गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, यानी कि डिजाइन शो में आप सभी का स्वागत है। आप पहुंच चुके हैं डे फाइव में। डे फाइव गाइस काफी कमाल के होने वाले। इसके अंदर हम लोग बनाएंगे टेबल लैंप और आपका वाइन ग्लास और काफी कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग आप सीखने वाले हो। सो यहाँ पर गाइस आप इस जो लाइव सेशन है इसका आनंद ले। कोई भी डाउट आता है आप मेरे को जो है राइट में कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर जस्ट मैं अभी आपको दे दूंगा। होपफुली आप सभी बिल्कुल सही होंगे, खुश होंगे, अपने घर में कैद होंगे, कैद नहीं यार, लॉकडाउन के मजे ले रहे होंगे। सो गाइस यहाँ पर आपके लिए मैं एक और कमाल का लाइव सेशन लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप जो बनाने वाले काफी इंटरेस्टिंग चीज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। जो भी अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं दिल से उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अनुकुल कुमार, आपका टीचर। सो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम सारे टूल्स को कवर अप कर लिया था, जो भी आप यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर देख सकते हो, राइट। इसमें से किसी को भी डाउट नहीं था, नीचे वाले जो है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, इसमें जो है सेक्शन प्लेन। बट उससे पहले यहां पर एक मैंने छोड़ा था जानबूझकर फॉलो मी टूल। सो गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग है, सो चलिए यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं जो शेप बना रखे हैं मैंने, अभी आप समझ जाओगे कि इसका पर्पस क्या है, बट उससे पहले बेसिक जो है टर्म्स को समझना भी जरूरी है। एंड यहाँ पर मैं पहले से शेप इसलिए नहीं बनाया था ताकि आपको भी समझने में आसानी हो कि एक्चुअल में जब शेप बनते हैं ये तो कैसे बन रहे होते हैं, इसलिए मैं पहले से नहीं बनाया था, अदरवाइज मैं बना सकता था, राइट। यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से लॉक करूंगा इंटरफेसेस को और कैसे मैं पूरा इसको टर्म्स को यूज करूंगा। देखिए हाफ सर्कल मैंने बनाया, अब अंदर वाले को मैंने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद यहाँ पर रोटेशन कमांड लिया, फिर यहाँ पर जस्ट इसको लॉक करके इसका एक और कॉपी यहाँ पर बना दूंगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखा आपने किस तरीके से मैंने कुछ ऐसा शेप बनाया। अब यहाँ पर मैं शायद ये थोड़ा सा उल्टा बन गया, ये लाइन इधर बनानी थी मेरे को, बट कोई बात नहीं, हम इसको भी सही कर सकते हैं। सो मैं इसको इरेज करता हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ पर कंटिन्यू ले लेता हूँ एंड इधर से इस लाइन को कंटिन्यू, उसके बाद इरेज टूल, यहाँ पर इरेज, इधर इरेज। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मैंने ऐसा बनाया, अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। सो जो भी ज्वाइन है वेलकम, एंड लाइक करते रहो गाइज। लाइक करोगे तो उत्साह बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो आपकी क्लास अच्छी चलेगी, वैसे भी चलेगी गाइज, मजाक कर रहा हूँ। सो यहाँ पर चलिए एक मैंने सर्कल बनाया और यहाँ पर मैं पाइप बनाने वाला हूँ बेसिकली, और देखना कितनी आसान मॉडलिंग होती है पाइप बनाना। हाँ, सो यहाँ पर मैंने इसका पाइप का क्या देने का है, थिकनेस। सो थिकनेस मैं यहाँ तो या तो सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, और बहुत माइनर केस है सो यहाँ पर मैं ऑफसेट का यूज कर सकता हूँ। सो ऑफसेट का मैं यूज करूंगा, बेशक सी बात है, यहाँ पर मैंने यूज किया। गाइस जितना यहाँ पर आप सेगमेंट को शार्प करेंगे अभी उतना आपको फायदा रहेगा, क्योंकि पाइप के अंदर हमें यूजुअली ज्यादा शार्प चाहिए होती है, ऑलराइट। तो यहाँ पर मैं इसको दोनों को शार्प कर दिया 50, इतना ओके होगा। यहाँ पर फिर अंदर वाले को मैंने किया डिलीट, सेम इस केस में भी मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से देखना है गाइस मैं क्या करने जा रहा हूँ। अंदर वाले को डिलीट भी कर देंगे तो चलेगा, एंड यहाँ पर या इस वाले केस में रहने देते हैं, तब आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर दोनों में मैंने डिलीट कर दिया तो समझाऊंगा क्या आपको। चलिए यहाँ पर हमने दो केस ले लिया, चलिए अब यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका। यहाँ पर मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली ग्रीन एक्सिस पर जाकर एक सर्कल अगर मैं बनाता हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं फॉलो मी टूल को चूज करता हूँ, देन यहाँ पर अगर मैं यूज करूंगा तो ये देख सकते हो लाइन जहां जहां मेरी टर्न हो रही होगी या चल रही होगी ये वहां पर बन रहा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लाइन को कंटिन्यू कर दिया, ऑलराइट, यहाँ पर मैंने लिया इसको, मैंने क्लिक करके देख सकते हो मैं कर्जर के थ्रू, मैं होल्ड करके कुछ भी नहीं रखा हूं, पॉइंट टू बी नोट आउट, यहाँ पर देख सकते हो कॉर्नर भी कितनी बिल्कुल खल्लास आ रही है, राइट। एंड चलिए अब यहाँ का जो इसका एंड फेस है इसको भी यहाँ पर रिमूव करते हैं, तो हम देख पाएंगे कि ये किस तरह से ये ब्लैंक यहाँ पर बना पाए, आप कितना आसान था इसको करना, ऑलराइट। चलिए यहाँ पर बार बार ना ये सेलेक्ट करना, देखिए ऑलराइट सबका यहाँ पर ऑलमोस्ट का शॉर्टकट बना हुआ है, बट फॉलो मी का नहीं बना हुआ। शॉर्टकट कैसे बनाते हैं आपको मैंने अच्छे से बता रखा था, उसके लिए आपको जाना होगा प्रेफरेंसेस में, यहाँ पर शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट के अंदर यहाँ पर फॉलो में पहले आपको पता होना चाहिए किसमें मिलता है, राइट। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो फॉलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलो आ चुका है, किसमें है ये आपका टूल्स के अंदर। एंड यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ये एक प्लगइन है, इसके बारे में मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा। सो फॉलो मी टूल आप यहाँ पर चूज करेंगे, इसका हम एक शॉर्टकट बना लेते हैं। फॉलो मी के लिए क्या बनाया है, कंट्रोल एम बना लेते हैं, और प्लस का आइकन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर इसका शॉर्टकट बन गया, ऑलराइट। यहाँ पर हिट ओके करूंगा, अभी शॉर्टकट आपका रेडी है।
चलिए अब इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसा टर्न होता है। आप यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल एम भी करोगे तो ये फॉलो में आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं किस इसके अगर थ्रू कर्सर को लेकर जाता हूँ तो ये ऑलरेडी यहाँ पर स्नैपिंग कर रहा होता है, बट इट्स लाइक क्रिटिकल ना कि अभी उसके आसपास लेकर जाओगे अब, और कभी कभार बनता भी नहीं आपका। हाँ, तो उसके लिए क्या कर लोगे, आप सिंपली यहाँ पर अपने जो भी लाइन है, एजेस हैं, आप उसको सिंपली सेलेक्ट करो यहाँ पर, फिर फॉलो मी टूल को लो, देन सिंगल क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक ही क्लिक में आपका काम बूम हो चुका है। हाँ, सो बहुत आसान है। हाँ, उसके बाद इसी केस में आप यहाँ पर तो देख सकते हो फेस भी यहाँ पर टच नहीं है, ब्लैंक है। इस केस में भी ये 100% अच्छे से वर्क करता है। मैंने सभी को सेलेक्ट किया, इसमें क्या है मैंने ज्यादा अच्छे से शार्प भी कर रखा है। गाइस एक और मैं बता दूं, जिनका सिस्टम थोड़ा सा स्लो है ना, वो अपने फाइल को परमानेंटली सेव करके रख लो, बिकॉज कभी कभार क्या होता है इतना हैवी होता है इसका काम ना कि बंद भी हो सकता है। ठीक है, सो प्लीज सेव योर फाइल। सो यस, उसके बाद कंट्रोल एम में क्लिक करूंगा बिकॉज मैं यहाँ पर शॉर्टकट बना चुका हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो ये किस तरह से यहाँ पर टर्न ओवर हो गया आपके पाइप के फॉर्म में। कितना आसान था गाइस। यहाँ पर अगर मैं इसकी हिडन लाइंस दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरह से बनाया इसके हिडन लाइंस को, सो ये देख सकते हो गाइस इसके अंदर किस तरीके से इसने टर्न्स लिए इतने स्मूथली, राइट। सो वही मैं बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा आप यहाँ पर स्मूथन रखेंगे, अब जैसे यहाँ पर आप फील कर सकते हो कि यहाँ पर से एक ये पॉलीगन्स है बिकॉज क्योंकि हमने वहां पर इसका जो एंटिटी इन्फो में से सेगमेंट्स को इंक्रीज नहीं किया था, समझ रहे हो ना इसको मैंने कैसे परफॉर्म किया। चलिए हिडन लाइंस को ऑफ कर देते हैं और आगे कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर फिर मैं रेक्टेंगल बनाया एंड यहाँ पर अगर मान लो इसका मैंने पुल टूल किया, अगर मुझे यहाँ पर चैम्फर करना है हर तरह से, ठीक है, सो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 पॉइंट यहाँ पर इसलिए बता चुका हूँ मैं आपको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे गया, पॉइंट चूज किया और ये बना दिया मैंने एक शेप। अब मैं इसको ऑल अराउंड करूंगा। देखिए लास्ट टाइम हमने क्या यूज किया था, एजेस के थ्रू। अब यहां पर मैं सिंपली फेस को सेलेक्ट करूंगा, फेस को सेलेक्ट करने के बाद फॉलो मी टूल लिया, यहां पर मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और आप देखोगे गाइज ये किस तरह से इसके कॉर्नर्स को स्मूथ कर दिया। हर तरफ से इसको स्मूथ सिंगल फेस बनाना है तो आप जानते ही हैं, सभी को सेलेक्ट करेंगे सॉफ्ट एन एज, जिसके बारे में बता चुका हूं कि आप यहां पर विंडो पर जाकर इसको डिफॉल्ट ट्रे के अंदर से चेकमार्क कर देंगे तब यहां पर देख पाएंगे। एंड यहां पर जैसे ही मैं इसके ऊपर सिंगल एक बार भी क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो गाइज ये टोटल का टोटल ऊपर वाला जो टॉप है इसका एक फेस बन चुका है। सो क्वाइट इजी, चलिए आगे चलते हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है और आज का लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते जाइए, लाइक करेंगे मजा आएगा। हाँ, और आज दिल्ली में मौसम भी काफी कमाल का हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसके थ्रू अगर स्नैप कर रहा हूँ तो मैं इसकी हाइट का बना सकता हूँ। चलिए अब यहाँ पर ना अगर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर कट करने का है थोड़ा सा, सो उसके लिए मेरे को क्या करने का है, ये भी चैम्फर का ही एक वर्जन होता है जिसको फ्लिट भी बोलते हैं। सो यहाँ पर आप कर सकते हो सिंगल, क्या करना है यहाँ पर लाइन को ड्रॉ किया, अब यहाँ पर ये एजेस आप सेलेक्ट करेंगे तो इसको सिंगल को सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर से मैंने फेस को सेलेक्ट किया, फॉलो मी टूल कंट्रोल एम से ले लिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देख सकते हो आपका किस तरीके से ये कटिंग यहाँ पर हो गया। पहले से ज्यादा गाइस हम लोग एडवांस जा रहे हैं, आई नो, बट अगर जिन्होंने भी पिछले क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, वीडियोस हैं चैनल पर, जाइए देखिए। बट ये वाला वीडियो जो है आप लाइव अगर देखते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है, आप यहाँ पर मेरे से बात कर सकते हो, मुझे भी अच्छा लगता है समझाते समझाते आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ, यू नो फन, मजा आता है। हाँ, तो चलिए अब यहाँ पर इस शेप के साथ भी थोड़ा सा खिलवाड़ किया जाए। यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने एक मैंने क्या बना रखा है, फेस और यहाँ पर कुछ सर्कल्स। सो पहले ओके, मैं सर्कल को भी एक बार बनाकर दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से सर्कल बना रहा हूँ एंड सर्कल बनाने के बाद मेक श्योर एक्सिस को पहले लॉक करेंगे। देखिए अभी यहाँ पर पहले सर्कल कमांड लेंगे, फिर यहाँ पर अपने एक्सिस को लॉक कर दें। मैंने ग्रीन को लॉक कर दिया, अब इसके सेंटर में गया। अब यहाँ पर कितना भी बड़ा बनाओ, इतना छोटा भी बनाओगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इतना छोटा बनाया, इसकी फेस को सेलेक्ट किया या आप एजेस को भी कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली कंट्रोल एम के ऊपर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये आपका बना देता है। कितना आसान था। मैं यहाँ पर के क्लिक करूंगा जिसकी वजह से मैं इसके बैक एजेस को देख सकता हूँ, कहने का मतलब है उसके पीछे एक और ऑब्जेक्ट है बीच में। हाँ, इसको आप इरेजर टूल की मदद से इरेज कर दे ताकि आपका जो है फाइल यहाँ पर ज्यादा हैवी ना हो। जो भी आपको फालतू लगता है हटाते जाइए, बिकॉज अगर आपका आपने नहीं हटाया तो ये बहुत ही ज्यादा आपका मेमोरी कंज्यूम करेगा। हाँ, वैसे इसका और भी तरीका है, कभी कभार क्या होता है इसको करने के बावजूद भी आपकी फाइल जो है हैवी हो रही होती है, तो उसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, मॉडल इन्फो के अंदर आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका
आपका आपका आपका आपका स्टैटिस्टिक्स में आपको जाना होगा, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पर्ज अनयूज्ड और फिक्स दो ऑप्शन है। यहाँ पर पर्ज अनयूज्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, आपका सब कुछ यहाँ पर पर्ज हो जाएगा, और फिक्स प्रॉब्लम अगर कोई प्रॉब्लम को तो ये भी फिक्स हो जाएगा। मेक श्योर यहाँ पर आप नेक्स्ट कंपोनेंट को भी सेलेक्ट कर लें और फिर इसको पर्ज करें, जिससे कि और भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपका क्लियर हो पाए। ऑलराइट, यहाँ पर समझ गया किस तरह से करेंगे, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं साइड रख दूंगा, बिकॉज जब हम इसको फॉलो में करवाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेस लेगा। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कुछ यहाँ पर शेप्स हैं, तो यहाँ पर इसको भी कैसे करेंगे वैसे तो आप समझ चुके हो, बट मैं आपको कुछ नया नया बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉलो मी टूल लूंगा, यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। बट अभी क्या है कि अगर बहुत बड़ी चैन है तो आप बार बार थोड़ी इसके ऊपर क्लिक करते जाओगे, तो उससे अगर आपको बचना है तो देखिए क्या करना होगा, अच्छे से देखना है। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल का मान लिया, यहाँ पर मैं इसको स्नैप कर रहा हूँ, बट अगर मेरे को इसको साथ ही बनाना है तो बड़ा मुश्किल है, राइट? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर शिफ्ट को होल्ड करके रखूंगा, मैं पूरे स्पेस में कहीं पर भी जाऊंगा तो वो इसके थ्रू स्नैपिंग हो रही है। ऑलराइट, यहाँ पर अब मैं एक रेक्टेंगल को सिंपली ड्रॉ कर देता हूँ, देख सकते हो इसके अंदर बनाइए। अब यहाँ पर सिंपली मैं इसके बीच वाले को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं एज को भी करूंगा, चलिए एज को कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड और स्मूथ के लिए मैं क्या करूंगा, इसका जो आपको दिख रहा है इसके सेगमेंट्स को यहाँ पर मैं इंक्रीज करूंगा, बट जब आप यहाँ पर सेगमेंट्स को इंक्रीज करते हो तो आपकी फाइल जो है बंद भी हो सकती है, सो मेक श्योर आप इसको कर ले। मैं भी सेव कर लेता हूँ गाइस, तो यहाँ पर कर लिया मैंने। अब यहाँ पर इसके एज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एम किया, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए एक बार आप क्लिक करेंगे और ये आपका बन गया। अब यहाँ पर बना कहाँ, इसकी तो इसके अंदर है, चलिए इसको मैं यहाँ पर ऊपर से डिलीट किया, यहां से भी डिलीट किया। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका कितना स्मूथ ये चैन बन चुका है, जो कि काफी कमाल का है। एंड अगर आप इसके बीच में भी बनाना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर फेस होना चाहिए, तो राइट क्लिक करके आप इसके सेंटर को ढूंढ ले, फिर से यहाँ पर आप इसको सर्कल बना सकते हो। यहाँ पर फिर मैं राइट क्लिक करके इसके ऊपर एक सर्कल के लिए, मतलब जो मैंने बताया अभी आपको स्फीयर बनाना है तो क्या करेंगे, फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर एक और मैंने बना दिया। अब देखिए गाइज, यहाँ पर ये जो बीच वाला है, ऐसे एरर्स को आप यहाँ पर ना करें जैसे हमने यहाँ पर डबल किया था, राइट? तो इससे बचने का भी तरीका है, जैसे यहाँ पर हमने एक को बनाया, ऑलराइट, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके फाइंड सेंटर किया। यहाँ पर मैं फिर क्या करूंगा, सेंटर अब आपके पास आ गया तो इसको आप डिलीट कर दे, इसका काम नहीं है आपको। ऑलराइट, यहाँ पर मैं सर्कल को लूंगा, फिर से मैं सर्कल को इस पॉइंट से बना सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। बनाने के बाद राइट क्लिक किया मैंने और फिर से एक और बनाया, यहाँ पर इस बार मैं करूंगा तो कोई भी एरर नहीं आएगा। और ये देख सकते हो आपने आराम से एक, मतलब सोलर, आई डोंट नो द नेम, ऐसा कुछ दिखता है, बृहस्पति कहते हैं हिंदी में शायद, बृहस्पति, हाँ। सो आपने कुछ ऐसा बनाया, काफी आसान मॉडलिंग थी। ऑलराइट, यहाँ पर अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं रिसाइज कर देता हूँ इसको। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉलो मी टूल को आप कितने वैरायटी से यूज कर सकते हो। हमने चैम्फर बनाया, पाइप बनाया अपना, हमने यहाँ पर स्फीयर बनाया, इलिप्स बनाने का है तो वो भी आप बना सकते हो। इलिप्स कैसे बनेगा, यहाँ पर आप जो भी आपने स्फीयर बनाया उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर इसको स्ट्रेच कर दो, देखो स्ट्रेच करते ये क्या बन गया, आपका इलिप्स टाइप का बन गया। ऑलराइट, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके पहले लेकर आऊंगा इसको थोड़ा सा ऊपर, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था किस तरह से आप मूव टूल को यूज करेंगे एग्जैक्ट वे में, राइट? तो यहाँ पर मैं फिर से एक्सेस को लॉक करके ले आया, साइज रिसाइज कर देता हूँ इसको, सेंटर पॉइंट से करना चाहता हूँ या कैसा भी। तो ये देख सकते हो गाइस किस तरीके से हमने यहाँ पर एक इलिप्स को क्रिएट किया। चलिए मैं आपको एग वगैरह बना भी बता दूंगा आगे, फर्दर अभी आगे क्लास होने वाली है। सो यहाँ पर वैसे मैं आपको गाइस यहाँ पर जो बताऊंगा सिर्फ स्केचअप प्रो के पास, प्रो बताने के लिए मेरे पास लाइसेंस है। आपको, आप सोच रहे हैं कि मैं इन टूल्स को कवर अप करवाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, टूल्स की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। एट द एंड, यानी कि जो लास्ट हमारा लेक्चर होगा अगला वाला, सो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इन टूल्स को भी सीखना है, राइट? सो चलिए फिलहाल जो अभी सीख रहे हैं इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि आपके कमेंट्स आएंगे कि हाँ आप उसको भी कराओ ये वो, बट गाइस मेरे पास परमिशन नहीं है। क्या होता है कि काफी सारे जो प्लगइन्स वाले होते हैं उसके ऑनर में लड़ाई चल रही होती है, सो वो जो है हमसे भी लड़ाई कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि आप अपने वीडियोस को डालेंगे तो हम रिपोर्ट कर देंगे एंड दैट ऑल। सो इस झंझट में पढ़ने से अच्छा है मैं आपको इंडिविजुअली बता दूंगा। सो चलिए आपको
सीखने से मतलब है मैं सिखाऊंगा आपको, बट यहाँ पर आप अच्छे से फॉलो करें, लाइक करें, और जो भी नए कनेक्ट हो रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम गाइस यहाँ पर। और मैं क्या बोल सकता हूँ, सो यस यहाँ पर चलते हैं, आप धमाकेदार कुछ बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ग्लास बनाना है तो ग्लास भी बनाना सीखते हैं, बट उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट याद आ गया, जितना भी मेरे को याद आते जा रहा है गाइस मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूं। ऑलराइट, यहाँ पर फिर मैं एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करना पसंद करूंगा, या इसके सेंटर पॉइंट से कर लेते हैं, कैसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर मैं प्रिज्म जैसा कुछ बनाना चाहता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर मैं इसको इरेज करूंगा, देन यहाँ पर मैं बीच वाले फेस को भी डिलीट कर सकता हूँ, कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इवन टोटल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मूव कमांड लिया, यहाँ पर इसका मैंने कॉपी बना दिया, एंड एक के अंदर मैंने, हाँ ठीक है, एक के अंदर मैंने ऐसा बनाया। अब एक के अंदर यहाँ पर मैं सर्कल के थ्रू बनाऊंगा, तो सर्कल जो है आपका बड़ा छोटा ये कोई मैटर नहीं करता, आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। देखो मैंने इसके आउटर या इसके अंदर कुछ भी टच नहीं है तो भी वो काम करेगा। सो यहाँ पर चलिए इसके थ्रू बनाते हैं। यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, आप इसको जो है सेलेक्ट कर लेंगे पहले टोटली अच्छे से। सेलेक्ट करने के बाद फिर से फॉलो मी टूल लेंगे, क्लिक किया और ये देखिए आपका कुछ ऐसा बन गया। अब सेम इसी तरह यहाँ पर आप इसके रिंग को सेलेक्ट कर सकते हो, फॉलो मी टूल यहाँ पर लिया, क्लिक किया और ये देखिए आपका कोन बन गया। इंटरेस्टिंग हाँ। चलिए अब यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग से अगर आपको क्रिएट करना है फेस वगैरह, सो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए पहले आपको फ्रेम को डिजाइन करना होगा, राइट। तो यहाँ पर फ्रेम डिजाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा बना दिया, एंड देखिए यहाँ कहाँ पर बन गया। हाँ, सो मेक श्योर आप एक्सिस जो मैंने पिछले बार बताया था आपको एक्सिस कैसे आप यूज करेंगे इसका सही प्रोपोर्शन से। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक लेकर गया। ऑलराइट, कितना टाइम हो गया आपको बताते बताते, 16:40, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम बनाने वाले थे कुछ बॉर्डर टाइप का, या यूं कहें हाँ बॉर्डर पहले बना लेते हैं। सो इसके ऊपर मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा शेप बनाता हूँ बेसिकली, तो जिससे आप और अच्छे से इसको समझ पाए कि कैसे हम इसको इमर्ज करते हैं। सो यहाँ पर मैं आर्क टूल का यूज करूंगा, एंड वी विल ड्रॉ समथिंग लाइक यहाँ पर। ऑलराइट, ये सेंटर पॉइंट रखता हूँ मैं, और यहां से भी कुछ समथिंग लाइक दिस, एंड अगेन उसके फेस पर ही बनेगा, कोई इशू नहीं है। इसलिए यहां पर सेंटर पॉइंट लिया मैंने, इसको ऐसा बना दिया, ये आपके पास शेप आ गया, राइट। अब यहां पर मैं इसको इजीली यहां पर इरेज कर देता हूं सारे पॉइंट्स को जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा थे, राइट। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, दो शेप को बनाऊंगा इसी के साथ। क्या क्या, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और जस्ट इसके पीछे लेकर जाता हूं थोड़े से दूरी पर, एक के ऊपर यहां पर मैं रेक्टेंगल लूंगा, और यहां पर सेंटर से बनाने के लिए कंट्रोल का मैंने क्लिक किया, इसका थोड़ा सा बाहर ले लिया। एक तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन, एक यहां पर सर्कल कमांड से। आपने देखा होगा ना काफी सारे डिजाइन आपके पास होते हैं लाइक आर्च और कॉलम के ऊपर, या फिर कहें कि जो गार्डन वॉल होती है उसके ऊपर ये जो लाइट्स वगैरह लगाते हैं, तो आप इससे लाइट्स भी डेकोरेटिव काफी आराम से बना सकते हो। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर से फॉलो मी टूल, और यहाँ पर बनाया। तो देखिए कितनी जल्दी कितने कमाल के शेप्स यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर उसी तरह अगर आपको स्क्वायर बनाना है, आप यहाँ पर फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सर्कल में क्या होता है, रिंग आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ये सारे एक साथ मर्ज होते हैं। आप वैसे इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे, एक्सप्लोर कर्व करोगे, तो देखिए सिंगल सिंगल लाइन हो जाती है। हाँ, सो यहाँ पर बेसिकली हम लोग फेस को ज्यादा अच्छा सेलेक्ट कर सकते हैं और जल्दी हो जाता है। सो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एम, और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और ये देखिए किस तरह से आपका शेप बन गया। अब यहाँ पर सीखने वाला क्या था, जो आपका शेप देखिए स्क्वायर प्रॉपर नहीं था, और ये देखिए किस तरह से एक आपके पास नया शेप आपके पास क्रिएट हो गया है। ऑलराइट, देख सकते हो गाइस कितना यहाँ पर इंटरेस्टिंग वे से आपको बता रहा हूँ। सो आपको अगर सच में पसंद आ रहा है ना तो प्लीज लाइक करते रहिए, ठीक है। सो यहाँ पर इसको भी मैं रिसाइज कर देता हूँ अगेन, बिकॉज अभी हमारा है अगला ग्लास बनाएंगे, वाइन ग्लास। सो इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, बट आपको शिफ्ट क्या करना है, यहाँ पर शेप को बनाना होगा। ऑलराइट, यहाँ पर देख सकते हैं मैं शेप को ऑलरेडी बना चुका हूँ, ताकि हमारा जो है टाइम सेव हो। अब यहाँ पर फिर से मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एम, जो कि मैंने शॉर्टकट कमांड बनाया था, एंड यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ। गाइस जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखोगे यहाँ पर तबाही चालू हो जाएगी, या तो आपका स्केचअप बंद हो सकता है। देखिए नो रिस्पॉन्डिंग आ गया था, मैं डर जाता हूँ यार गाइस, मतलब आपका टाइम खराब हो सकता है। हाँ, कुछ लोग एग्जिट हो जाएंगे, मतलब गरीब के ऊपर दया नहीं दिखाएंगे। ऑलराइट, चलिए तो फिर ऑलराइट, सो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत मजाक होना चाहिए गाइस, इतना सीरियस क्लास मतलब अच्छा नहीं लगता ना।
तो आप भी कमेंट कर दिया करो, हा हा ही यू ओ या ओ शिट। सो यहाँ पर चलिए आपने देखा कि किस तरह से हमने वाइन ग्लास को बनाया। अब यहाँ पर इसके अंदर कलर करते हैं, थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें कलर करना स्पेशली बता देता हूँ। अभी देखिए ये सारा एक साथ इमर्ज है राइट, तो आप ट्रिपल क्लिक करेंगे जो भी इसके साथ कनेक्टेड होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली सॉफ्टवेयर एजेस को फिर से लेकर आएंगे, एक बार आपको क्लिक करने का और ये सिंगल फेस आपका बन जाएगा। आप यहाँ पर पेंट बकेट टूल पर जाएं, मटेरियल आपका आ जाएगा, मटेरियल के अंदर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं ग्लास एंड मिरर। चूज करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लैक को ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा आपको लगेगा देखकर। यहाँ पर मैं सिंपली जैसे ही क्लिक करूंगा और आप देखोगे गाइस आपका यहाँ पर ग्लास बन गया, कितना कमाल का लग रहा है। हाँ तो बेसिकली आपको करना क्या है कि ये शेप के ऊपर काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। देख सकते हैं गाइस मतलब डिटेल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसके अंदर से देखिए एक पॉइंट है राइट, जिसके थ्रू मतलब कि आपका एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए, हाँ वाइन का एक ड्रॉप भी नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। सो इस तरह से आप यहाँ पर बनाएंगे इतने अच्छे से। अब यहाँ पर दूसरा आइडिया मैं लेकर आया हूँ लैंप वाला। सो लैंप वाले में थोड़ा सा अलग है केस, जैसे उसमें क्या होता है कि वो पूरा इमर्ज नहीं होता, टच नहीं होता। तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे ये देख सकते हो मैंने दो मॉडलिंग यहाँ पर कर रखी है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। सो पहले मैं फाइल को सेव कर दूंगा जैसे कि प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर मैं पहले एक ग्रुप के अंदर जाता हूँ, इस रिंग को सेलेक्ट करूंगा। देखिए इस तरह से मैंने वेल मैनेज कर रखा है, देखिए मैं बिल्कुल बाहर निकला हुआ हूँ अभी। पहला ये एक ग्रुप के अंदर है, उसके बाद यहाँ पर आपका ना चांसेस कम हो जाता है जब आप ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते हैं। एक और आपको साथ ही साथ मैं ट्रिक बताता हूँ, देखिए व्यू के ऊपर जाएंगे, अगर आपका हैंग हो रहा है बार बार बंद हो रहा है तो इससे बचने के लिए व्यू के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको कंपोनेंट एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल के ऊपर चेकमार्क कर देंगे तो जैसे आप किसी ग्रुप के अंदर जाते हो बाकी वाला हाइड हो जाता है और यहाँ पर आप एक्सेस को देख पाओगे। एक्सेस के बारे में मैंने डिटेल में प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था। तो चलिए अब यहाँ पर हम पहले इसको भी क्लियर कर लेते हैं ईमानदारी से। यहाँ पर फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो ऊपर वाला गायब हो गया। अब यहाँ पर मैं सिंपली अपने रिंग को सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल एम एंड सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए काम पहले से ज्यादा जल्दी हुआ। अब इस बार इस वाले को मैं सेलेक्ट करूंगा, रिंग को सेलेक्ट किया, कंट्रोल एम करूंगा और यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये बन गया आपका लैंप। देख सकते हो गाइस कितने आराम से यहाँ पर हमने लैंप लाइट बताया जो कि बहुत ही आसान था। चलिए यहाँ पर एक विजय जी आई थिंक उन्होंने पूछा था या प्रियंका जी ने पूछा था कि कलर को भी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकते हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। उसके लिए कलर पर आपको जाना होगा एंड मान लो इसके ऊपर क्लॉथ वाला कुछ इफेक्ट फैब्रिक का डिजाइन होती है बेशक। सो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, सबसे पहले सारे ही अप्लाई कर दिया। सो नीचे वाले के ऊपर कुछ और कर लेते हैं और राइट यहाँ पर टॉप वाले के ऊपर कुछ ऐसा मैट। अब मैंने इसको इसके बारे में बताया था कि आप किस तरह से टेक्सचर को सही से प्लेस कर सकते हो, सो उसके ऊपर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सो बेसिकली आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एडिट के अंदर आपको जाना है, इसकी ओपेसिटी वैल्यू को आप यहाँ पर कम करेंगे। जैसे आप गाइस कम करो, बिल्कुल कम कर दोगे तो देखो बिल्कुल ज्यादा ही बेकार लगेगा। सो बहुत ही बैलेंस आपको रखना होगा और ये काफी काइंड ऑफ हेल्प करेगा आपको जब आप यहाँ पर वीरे यूज कर रहे होगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने मॉडलिंग को इम्प्रूव कर सकते हो जो कि काफी खास है। और यहाँ पर ये जो मैंने बना रखा है ऊपर इसका टॉप, ये मैंने खास बनाया था कि अगर वो लाइट ब्लूम होगी तो उस तरह से वो ग्लो करेगी। ऑलराइट यहाँ पर अभी तक आपने सीख लिया कि किस तरह से हम फॉलो मी टूल को यूज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर फ्रेम्स भी इससे बना सकते, फ्रेम्स भी मैं दिखा देता हूं, अदरवाइज कुछ तो समझ गए होंगे आई नो, बट कुछ जो होंगे वो अभी भी कंफ्यूजन में होंगे लिटिल बिट, तो उनका कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। मैं जानता हूं थोड़ा सा ये मैं टॉपिक लंबा लेकर गया बिकॉज इसमें शेप्स आप ज्यादा निकाल सकते हो, ठीक है। और जितना मैं ज्यादा आपको आइडिया दे सकता हूं मैं अपना पूरा पूरा एफर्ट कर रहा हूं कि आप यहां पर कुछ नया पक्का सीख कर जाओ। ऑलराइट यहां पर फिर से मैं इसका एक और बड़ा वर्जन बना देता हूं। ऑलराइट यहां पर बनाया डिजाइन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, यहाँ पर समथिंग लाइक दिस। इरेजर कमांड लूंगा मैं, अंदर वाला सारा एकदम डिलीट, इसके साथ इमर्ज हो गया ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसके साथ प्ले कर सकते हैं हम, आई मीन यस। यहाँ पर जब आपको प्रॉब्लम हो ना कि इसके साथ ये स्नैप कहाँ पर हो रहा है, कुछ आइडिया ना मिले, चुपचाप आपको क्या करना है, रेक्टेंगल कमांड लेंगे, सेंटर का आप यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए, बड़ा सा थोड़ा सा करना ताकि ये इमर्ज ना हो इसके साथ। अब यहाँ पर आप आराम से इसके ऊपर कुछ भी जो चाहो वैसा आप इसके ऊपर शेप बनाते रहिए, कितनी भी डिटेलिंग दे दूं ये खराब नहीं होने वाला। चलिए यहाँ पर आपकी डिटेलिंग हो गई, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा तो आपको गैप देना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर बाकी फेसेस को मैं यहाँ पर बट ये भी सिलेक्ट हो गया, हाँ सो इसको मैं सिंगल क्लिक कर देता हूँ
इसको मैं डिलीट किया, डिलीट डिलीट, ऑल राइट। यहाँ पर थोड़ा इसके साथ ज्यादा ये ऑकवर्ड सा लग रहा है देखने में, यहाँ पर कुछ ऐसा इरेजर कमांड ये ले ही रहा है, क्या दिक्कत है, लेट मी चेक। ओके 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 फाइन, अगेन आई वांट जस्ट ड्रॉ समथिंग। ऑल राइट, यहाँ पर अभी ले लिया इसने, अब यहाँ पर इरेजर कमांड में इरेज कर दूंगा इसको, इसको भी और इसको भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपके पास मान लो कि मैंने काफी डिफिकल्ट सा ऐसा कुछ बना दिया फ्रेम, एंड अब यहाँ पर इसको करने वाले मेक श्योर फाइल सेव होना जरूरी है। एंड अब यहाँ पर सिंपली आप फेस को सेलेक्ट करेंगे, देखिए एजेस नहीं मैं बोल रहा, एजेस के लिए भी मैंने आपको सिखा दिया था, अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो एजेस भी सिलेक्ट होगा, आप यहाँ पर ट्रिक के यूज से सिर्फ शिफ्ट क्लिक करके यहाँ पर अनसेलेक्ट करोगे तो देखिए सारा एजेस आपका सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर कंट्रोल एम में दोबारा से करूंगा और इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो कमाल के बॉर्डर आपके सामने पेश है जो कि काफी मजेदार है, और इसके अंदर डिटेलिंग्स देख सकते हो पूरा 100% आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको क्या करना है, दोबारा से अगर रिवर्स फेस करना है सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स फेस के ऊपर सारा सेलेक्ट करेंगे और रिवर्स फेस के ऊपर क्लिक कर दोगे जिसकी वजह से सारा रिवर्स फेस हो जाएगा और आपको वीरे में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और आपको बच रहा है लास्ट, और ज्यादा आपको मैं नहीं पकाने वाला, वैसे मैं पका नहीं रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग, और इसको समझना, अगर मैं यहाँ पर आपको एक सिंगल एक बनाकर बता देता हूँ तो आपको फिर कंफ्यूजन होती, अरे ये तो फिर भी यूजफुल नहीं है, राइट। तो मैं वैसा नहीं चाहता था। अब यहाँ पर फिर से मैं रेक्टेंगल का मान लूंगा और इस बार मैं यहाँ पर कुछ और ड्रॉ करते हैं, राइट। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा इसका मिडिल कहाँ है, ये रहा मिडिल, यहाँ पर लाइन मैंने ड्रॉ किया, सो यहाँ पर भी फिर इसके ऊपर अब फेस हमारे पास है ऑलरेडी, इसको मैं स्नैप करके यहाँ पर ऐसा बनाते हैं, ऊपर वाला सब डिलीट कर देते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ इतने का काम है, और मैंने सेंटर जानबूझ के लिए ताकि वो स्मज ना हो इसके बीच में, राइट। सो यहाँ पर आप काफी सारे टेक्निक भी साथ साथ सीख रहे हो। यहाँ पर मैं कुछ सर्कल्स को ड्रॉ करता हूँ, अभी आप देखना काफी नए नए शेप्स को हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर अगर मैं शेप्स को चेंज करना चाहता हूँ, हाँ, सो वो भी ऑप्शन है हमारे पास, नंबर्स ऑफ साइड में डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैंने हेक्सागन का बनाने का है, यहाँ पर मैंने एक हेक्सागन का कुछ टेढ़ा मेरा ले लिया, बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं। हाँ, अब यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ऑलराइट, इसको भी इरेज, यहाँ से इसको भी इरेज। अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा हमारे पास शेप है। सो आप फिर से ये बाकी एक्स्ट्रा जो एजेस है हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आप फेस को सेलेक्ट करेंगे, सिंपली यहाँ पर फाइल को पहले सेव कर ले, मेक श्योर सेव करने के बाद फॉलो मी टूल लिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये देख सकते हो आपका ये बन चुका है। अब यहाँ पर मैंने जानबूझ के थोड़ा सा पीछे की साइड पे बनाया था ताकि ये एरर आप देख पाए। अब ऐसे एरर आपके पास आ रहे हैं तो आप इसको कैसे फिक्स करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल लूंगा और मैं इसको यहाँ पर मूव करूंगा तो बाकी क्या, बाकी सारा सेम एज इट इज रहेगा, कोई इशू नहीं है। फिर से मैं फेस को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल एम करूंगा, क्लिक किया और ये देख सकते हो बूम आपका बन चुका है। सो गाइज, हमने आज काफी कुछ नया यहाँ पर बनाया, काफी सारे शेप्स को बनाए जो कि काफी इंटरेस्टिंग था, एंड आपने देखा कि किस तरीके से आप यहाँ पर वाइन ग्लास बना सकते हो विद इन अ सेकेंड। सो जो मेरे स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ रहे होंगे। गाइज, आपने भी गलती की थी, जो भी आप सीख रहे थे मेरे से पोर्शन क्लासेस में, आप शेप को सही से नहीं दे पाते थे, राइट। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, देखिए शेप एक बार आपने ये बना लिया ना तो आप काफी सारे प्रोजेक्ट को इसमें यूज कर सकते हो, राइट। वैसे मैं जानता हूँ 3D वेयर हाउस है आपके पास आपका टाइम सेव करने के लिए, बट अगर आप को अपना मन का करना हो तो उसके लिए मॉडलिंग गाइस आनी होगी और आनी जरूरी भी है। हाँ, सो यहाँ पर अभी तक हमने ये सीख लिया, मैं आपको और नहीं बताने वाला इसके बारे में, सारे कंडीशन सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिए, जो भी मैं इसमें मैं सोच सकता था तो वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर मैं अब आगे की तरफ प्रोसीड करता हूँ। सो फाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर न्यू ओपन, आप जानते हो कुछ बताने की जरूरत नहीं, ओपन न्यू वर्जन ये आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा अपने स्केचअप में। बेसिकली ये है क्या, अगर आपके पास जैसे मैं अभी आप देख सकते हो 2018 का मैं प्रो वर्जन यूज कर रहा हूँ, बट अगर आपके पास 2020 की फाइल आपके पास आती है सो आप इस प्लगइन को डाल सकते हो। इसका नेम मैं ग्रुप में बता दूंगा, आप ग्रुप में पूछना। सो गाइज, यस, यहाँ पर आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने का प्रोसेस भी आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर सेव एज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे गाइज आपके पास कुछ वर्जन यहाँ पर आपको मिलते हैं,
सीवेस के ऊपर। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को दे रहे हो जिनका सिस्टम थोड़ा सा लो है, तो आप वहां पर इनको शेयर कर सकते हो। गाइस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, लाइक करोगे जोश आएगा, आपको आगे बताने में मजा आएगा। अभी तक हमने काफी इंटरेस्टिंग से शेप को बनाए हैं और बनाते रहेंगे आगे इसी तरह। कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हो, बेझिझक एकदम बिंदास छोड़ दिया मैंने आपको। चलिए अब यहाँ पर मैं लेकर चलता हूं आपको आगे के टूर पर। यहाँ पर सेव एज हमने समझ लिया। सेव एज कॉपी क्या है गाइस, आप अगर अपने फाइल को टेम्परेरी नाम से सेव कर रखे हो बट आप इसका एक कॉपी और सेव करना चाहते हो, यहीं तक फिट करके एक और सेव करना चाहते हो, तो आप यहां से प्रोसीड कर सकते हो। अगर मान लो ये जो स्त्री दिख रही है, इस स्त्री के बजाय आप अपने फोटो को कर सकते हो। याद होगा आपको मैंने आई थिंक डे टू के अंदर एक रॉकिंग चेयर बनाकर दिखाया था, तो उसकी मॉडलिंग मैंने बताया था किस तरह से आप 2D को स्नैप कर सकते हो, राइट। सो उसी तरह आप अपने ह्यूमन बॉडी का भी पिक्चर कुछ ऐसे ही कमर पे हाथ रख के खिंचवा लेना और उसके बाद यहाँ पर उसको बारीकी से लाइंस को ड्रॉ करना और यहाँ पर कलर वलर कर देना। देख सकते हो कलर भी कितना आसान है। अगर इस लेडी का मैं पैर ये मैं हटा देता हूँ पैंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट हो गया, राइट। सो आप इस तरह से अपने फिगर को भी कर सकते हो। और उसके बाद अगर वो बार बार आप देखना चाहते हो वही टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो, तो सेव एज टेम्पलेट कर सकते हो, जिसकी यूनिट्स पे आप यूनिट में जाकर चेंज कर लें एंड ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है रिवर्ट। रिवर्ट क्या है, अगर मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, देखो यहाँ पर मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर अपने शीट के अंदर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आपके पास ना कभी कभार क्या होता है कि कंट्रोल जेड ना अच्छे से वॉक नहीं कर रहा होता, राइट। तो मेक श्योर गाइज कंट्रोल एस अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये रिवर्ट आपके पास शो नहीं करेगा। अगर आपने कंट्रोल एस क्लिक कर दिया तो रिवर्ट शो नहीं करेगा। अभी अगर मैं रिवर्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो जहां तक मैं लास्ट सेव करके रखा होगा वहां तक मेरी फाइल यहां पर आप देख पाएंगे। देख सकते हो लास्ट टाइम मैंने जहां तक सेव किया था, यानी यहीं तक हमने सेव किया था, तो यहां तक आप इन सभी को देख पा रहे हैं और बाकी जो आपने उलूल जुलू बनाया था वो यहां पर आप डिलीट कर सकते हो। तो रिवर्ट भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। सेंड टू लेआउट, लेआउट में हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, इवन बॉस को क्यों, इवन बॉस भी प्रेजेंट करता है कभी कभी जब उसके एम्प्लॉय अच्छे नहीं होते। तो जैसे मैं बहुत घटिया एम्प्लॉय था अपने बॉस का, मैं निकाला गया एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। सो गाइस वो बात की बात है, फिलहाल यहाँ पर आपको लेक्चर देता हूँ, कॉल करना आपको अकेले में सुनाऊंगा। ऑलराइट चलिए यहाँ पर अब मतलब बकवास नहीं करेंगे। सो यहाँ पर ट्रिम्बल कनेक्ट करके आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप अपने फाइल्स को इन सभी को अपलोड कर सकते हो। सो इसको भी नहीं बताऊंगा मैं आपको। 3D वेयरहाउस हाँ काफी इंपॉर्टेंट है, अपना जो भी आपने काम कर रखा है यहाँ पर आप शेयर मॉडल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड भी कर सकते हो, बट आपको मैं ये वाला सजेस्ट नहीं करूंगा। इससे बेटर कि आप यहाँ पर चले जाएं गूगल क्रोम पर और वहां पर 3D वेयरहाउस को ओपन करें, देन वहां पर अपलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और वहां पर काफी सारे मॉडल्स भी मिलते हैं। तो गेट मॉडल के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपका 3D वेयरहाउस ओपन हो जाता है। यहां पर आप जैसा चाहे वैसा टेम्पलेट निकाल सकते हैं, राइट। तो जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, मैंने कभी अपने नाम को सर्च नहीं किया। अगर मैं अनुकूल लिख रहा हूं क्या होता है, हाँ अनुकूल लिखता हूँ तो मेरे नाम के जो कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने बताया एग शेप, तो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर एग शेप बना रखा है, इसके ऊपर वीडियो भी बन रही हुई है बट ये मैंने वीरे के ऊपर बनाया था, ऐसा अंडा होता नहीं है, ठीक है। वैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेरे कुछ कलेक्शन आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप कुछ भी निकाल सकते हो, इवन आप कार लिखोगे तो कार आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर ये BMW कार, हाँ इसके ऊपर डिटेल मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करोगे इसकी पूरी स्टोरी आ जाएगी। ये देखो BMW आपकी, और इसको लाइक करना चाहते हैं लाइक कर देते हैं, वो भी खुश हो जाएगा, अरे भाई किसने लाइक किया, ठीक है। तो चलिए ऐसे ऐसी खूबसूरत कार को आप 3D वेयरहाउस आराम से निकाल सकते हो। सो गाइस अगर मेरी कमेंट्री आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो और कमेंट करो। सो यस जियो जिंदगी। ऑलराइट यहाँ पर फिर चलते हैं आगे इम्पोर्ट के ऊपर। इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई भी फाइल अगर आपको लानी है तो आप यहाँ पर ला सकते हैं। फाइल कौन कौन सी हो सकती है, फोटोशॉप की हो सकती है, जीपीजी, वीरे की ऑब्जेक्ट, ओबीजी फाइल्स, सब कुछ यहाँ पर आप ला सकते हो। इधर काफी सारे ऑप्शन है और 2020 में तो कुछ और भी ऑप्शन इन्होंने ऐड कर दिए हैं ऑप्शन। सो बेसिकली ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आप 3ds Max को फाइल को इम्पोर्ट नहीं कर पाओगे अभी। उसके लिए यहाँ पर आगे मैं प्रोसीजर बताऊंगा, मतलब इस क्लासेस में नहीं वैसे ही। फर्दर आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑलराइट यहाँ पर मैं आपको बता रहा था एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के अंदर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, पहला 2D दूसरा 3D।
2D अभी देख सकते हो ये सारा क्या है, 2D के ऊपर ये बना हुआ है। सो मान लो यहाँ पर जो भी आप विंडो के ऊपर जूम करते हो, राइट, यहाँ पर मैं कुछ ऐसा जूम कर दिया, जो भी यहाँ पर हमने फालतू का बना रखा है, कुछ ऐसा मेरे को 2D इमेज चाहिए, राइट, ऐसा वाला ठीक है ज्यादा। चलिए अब यहाँ पर इसको हमें प्रिंट करने का है, एक्सपोर्ट के अंदर गया, 2D ग्राफिक के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद आप सबसे पहले तो अपना लोकेशन दे देंगे। आप यहाँ पर मेरे चैनल पे रहोगे तो कमाल की रेंडरिंग, और ये देख सकते हो ये मॉडलिंग और ये दोनों चीजें आपकी किस में हुई है, स्केचअप में। ऐसी इमेजेस आप बना सकते हो, काफी आसान है गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, मतलब कुछ भी नहीं, आसान एकदम। सो यस, यहाँ पर मैं पहले नेमिंग करूंगा इसका। सो मैं कुछ भी यहाँ पर टेम्प डाल देता हूँ, यानी कि टेम्प्रेरी। देन यहाँ पर आप फाइल फॉर्मेट जरूर चूज करें, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। PDF में भी आप इसको कर सकते हो, आप इसको जो है JPEG, इवन यहाँ पर देख सकते हो ऑटो कैड फाइल तक आप यहाँ पर काफी आराम से क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पर गाइज आपकी 2D फाइल बनेगी, सो यहाँ पर आप 3D उसके अंदर नहीं देख पाएंगे, 3D भी आप कर सकते हो, काफी आसान है। सो फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर JPEG में, यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पर रेजोल्यूशन का आपको मिल जाता है कि आप यहाँ सर जितना साइज डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका चेक मार्क रहा सो आप कुछ भी डाल दीजिए, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप यहाँ पर इसको अनचेक कर लें, और जो भी रेजोल्यूशन डालना चाहते हैं आप यहाँ पर 999 तक डाल सकते हो, ये देख सकते हो इतनी लिमिट है इसकी, काफी ज्यादा है। सो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं 1500 लिमिट इज इनफ फॉर दैट। यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, और जैसे ही आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हो आपकी बनाई हुई कलाकृति आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, और ये देख सकते हो इसकी क्वालिटी काफी सुपीरियर है। लाइंस के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि कैसे आप इसकी लाइन को थिन कर सकते हो और ज्यादा, या इसको और किसी स्केचअप की रेंडरिंग कहूं कि स्केचअप की रेंडरिंग आप आराम से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आप 3D के अंदर क्या क्या कर सकते हो, सो चलते हैं 3D के अंदर। सो यहाँ पर मैं फाइल के ऊपर जाऊंगा, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, 3D मॉडल के ऊपर क्लिक करूंगा, देन यहाँ पर फिर से काफी सारे ऑप्शन देख सकते हो। देखिए 3ds Max फाइल को आप ओपन नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप 3ds Max फाइल को बना सकते हो, थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस बट ये बना देता है। चलिए यहाँ पर इस फाइल का OBJ बनाकर देखते हैं, मैंने खुद भी कभी ट्राई नहीं किया। सो यहाँ पर OBJ OBJ नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम लगा देगा, और OBJ फाइल बेसिकली बड़ी अच्छी होती है फाइल, आप उसको यूजिंग ऑफ विंडो 10 अगर आपके पास है तो राइट क्लिक करोगे, वहां पे 3D व्यूअर करके आएगा ओपन विद के अंदर, ध्यान रखिएगा राइट क्लिक करेंगे OBJ फाइल के ऊपर तो वहां पर आपके पास मिल जाएगा 3D व्यूअर का ऑप्शन, तो वहां पर आप करके देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मतलब इसका 3D मॉडल आपके पास आ जाता है। सो इस तरह से यहाँ पर 3D के अंदर अगर आप यहाँ पर ऑटो कैड फाइल को करते हो तो जो आप इतनी मेहनत करते थे उसके अंदर घर बनाने में, तो आपका काम आसान हो जाता है। सबके यहाँ पर ऑप्शंस अलग मिलेंगे, OBJ मतलब काइंड ऑफ, अगर मैं यहाँ पर ऑटो कैड फाइल कर दूंगा, देख सकते हो यहाँ पर ऑटो कैड, ये रही आपकी ऑटो कैड DWG फाइल, इसके ऑप्शंस कुछ और देखने को मिलेंगे, कौन से वर्जन का आप यहाँ पर बनाना चाहते हो सो आप कमी रखना। उसके बाद यहाँ पर इसके डायमेंशंस, फेसेस, क्या क्या आप उसमें डालना चाहते हो, तो ये आप सारे ऑप्शंस यहाँ पर देख पाते हैं, राइट। यहाँ पर मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, समझ गए होंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर कुछ दो ऑप्शंस और हैं। सो एनिमेशन क्या है बेसिकली, सो अगली क्लास में एनिमेशन आपको डीपली बताऊंगा, तब इसको मैं बताता हूँ, राइट। आप यहाँ पर अपने पेज को प्रिंट कर सकते हो, और नीचे कुछ भी नहीं, यहाँ पर रिसेंट फाइल है, जनरेट रिपोर्ट, राइट। यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट के ऊपर आप क्लिक मत करना अगर आपका वर्जन क्रैक है, अगर आपने क्लिक किया तो हो सकता है आपका करप्ट हो सकता है। सो यहाँ पर बेसिकली हम अपने इन्फॉर्मेशन को डालते हैं, अगर यहाँ पर हमें इसका प्राइस भेजना है, स्केल भेजना है, एक्सेस भेजना है, इन सारी समरी को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं वन बाय वन करके, इसके अंदर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, सारी वैल्यूज को आप डाल सकते हो। यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं आती तो हमें अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज करना पड़ता है, और वैसे भी इंडिया में सबसे ज्यादा गाइस ऑफिशियली एक्सेल का ही यूज होता है, तो आई लव माई इंडिया, यस। चलिए सो गाइस, जो भी देशवासी देख रहा है उसको भी, मतलब उसके भी देश को प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है, कोई भी एक्सक्लूड नहीं है, सब भाई भाई हैं। चलिए अभी और बड़ी बड़ी बातें हो गई, और आगे चलते हैं, तबाही करते हैं, तबाही करेंगे, यस। एडिट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अंडो रीडो जानते हो आप, कट जानते हो, कॉपी जानते हो, पेस्ट इन प्लेस, और ये बड़ा मजेदार है, हाँ काइंड ऑफ इसको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये मैंने सारा एक ग्रुप के अंदर बना रखा है, राइट। तो यहाँ पर मान लो कि मैं चाहता हूं ये जो अंदर आपने बना रखा है ना, इसको आप कॉपी करना चाहते हो, राइट, तो कैसे करेंगे उसके लिए मैं इसके अंदर क्या कंट्रोल A क्लिक करूंगा, कंट्रोल, यहां से मैं दिखाता हूं आपको लाइव प्रूफ, कंट्रोल C क्लिक किया,
कंट्रोल सी क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए कॉपी और सॉरी पेस्ट और पेस्ट इन प्लेस। बेसिकली पेस्ट क्या होता है, देखिए अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो आपके कर्सर के साथ ये उड़ के आ रहा होता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो बेसिकली ये ओरिएंट कहाँ पर हो रहा है, देखिए इसका बेस पॉइंट क्या है, थोड़ा सा देख सकते हो आपके ऑब्जेक्ट के दूर पर है बिकॉज उसका एक्सिस सही नहीं है। हाँ बिकॉज जो इसके अंदर एक्सिस होगा देखिए यहाँ पर इसके साथ दूर है तो इसका एक्सिस ये है। अगर यही एक्सिस हम लोग सेंटर में कर दिए होते तो ये सेंटर में आ रहा होता, राइट। तो बेसिकली अब चलते हैं पेस्ट इन प्लेस क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पर पेस्ट इन प्लेस के ऊपर क्लिक किया तो मेरी यही पर ओवरले हो गई है कॉपी उसी के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, सम टाइम आप जब यूज करोगे मॉडलिंग करोगे तो काफी इंपॉर्टेंट होगा इसका रोल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उसी के थ्रू थोड़ा सा आगे निकालूंगा तो देख सकते हो वो बेचारा ग्रुप के अंदर अभी भी है उसी जगह पर, बट इसका बहरूपिया यहाँ पर अलग से आ गया। तो चलिए यहाँ पर मैं फालतू की चीजों को डिलीट कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मेरे को टाइम देख लेना चाहिए एक बार, आई थिंक ज्यादा ना हो गया एक घंटे से। ऑलराइट अभी 20 मिनट है यार, 20 मिनट बोलना है मुझे शायद रेस्ट लेना चाहिए, क्लास ज्यादा लंबी हो जा रही है अगली बार से आधा घंटा, और पिछले क्लास में तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे 2 घंटे की, मैंने जैसे ही सुना ना मैं कहा भाई अब 8 मिनट भी बाकी है, अब उसको भी बंद करके भागो यहाँ से। बेसिकली क्या था गाइस, पहले तबीयत थोड़ी सी वीक थी बट अभी मैं एकदम चंगा हो गया, ठीक है पंजाबी लैंग्वेज में। सो यस यहाँ पर चलते हैं आगे, एंड आपको मजा आ रहा होगा मैं जानता हूँ, मैं ऐसे ऐसे कॉमेंट्री करूंगा तो मजे ही आएंगे, ठीक है। एंड लाइक करते रहिए जो भी यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, अभी कुछ लेट लतीफ है जो अभी भी कनेक्ट हो रहे होंगे बट मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, होते हैं इवन मैं खुद भी यहाँ पर 1-1 बजे तक उठता हूँ दिन में, ठीक है। पता नहीं वीडियो कहाँ से आ जाती है मेरे चैनल पे। ऑलराइट आज मैं कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा हूँ, आई नो सॉरी। तो चलिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक डिलीट गाइड आप जानते हो गाइडलाइंस को डिलीट करने के, सेलेक्ट ऑल बहुत आसान है, बच्चा भी बता देगा सेलेक्ट ऑल से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। सेलेक्ट नन कर दिए, यहाँ पर सारा अनसेलेक्ट हो गया। इवन आप यहाँ पर शॉर्टकट कमांड भी देख सकते हो, कंट्रोल डी से आप यहाँ पर अनसेलेक्ट कर सकते हो, बट मैंने आपको जो बताया ना शिफ्ट से क्लिक करके अनसेलेक्ट सेलेक्ट सब कुछ आप उसके थ्रू करना वो ज्यादा मजेदार है, राइट। यहाँ पर चलिए हाइड अनहाइड क्या है थोड़ा सा इसको भी पता लगा लेते हैं। मान लो आपने यहाँ पर हाइड किया, ठीक है इसको हाइड करना है तो राइट क्लिक करके अभी आप हाइड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज एडिट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर भी आप इसको हाइड कर सकते हो। देखिए हमने हाइड तो कर दिया, अनहाइड के लिए आप एडिट के ऊपर जाएंगे, ऑल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो आपका ये अनहाइड हो गया। गाइस एक पते की आपको बात बताता हूं, मान लो आपने इस ग्रुप में गए, ग्रुप में जाने के बाद राइट क्लिक किया, इसको आपने हाइड किया, ठीक है। अब यहां पर उसके अंदर एक हमने हाइड कर दिया, चलिए अब यहां पर मैं इसको इस ग्लास को बिना यहां पर मैं ग्रुप बना लेता हूं, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद मैं इसके अंदर एक लाइन बनाता हूं, अभी अच्छे से समझना है इसको। इस लाइन को मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक किया और यहां पर इस लाइन को मैं हाइड कर दिया, ठीक है। अब यहां पर एक और ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूं एंड इसको भी मैं यहां पर बनाने के बाद हाइड कर दिया। अब यहां पर अगर मैं एडिट के अंदर गया, ऑल के ऊपर क्लिक करूंगा, देख सकते हो गाइस यहां पर इन दोनों के अंदर का भूत बाहर नहीं आया है। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाना होगा और तब आप यहां पर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तभी वो आप यहां पर बाहर ला पाओगे, ठीक है। उसी तरह आप इसके अंदर जाओगे, यहाँ पर इसकी खातिरदारी करोगे, ऑल के ऊपर क्लिक करोगे तभी आप इस लाइन को यहाँ पर ला पाओगे। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मेरी ग्लास खराब नहीं होनी चाहिए, राइट। सो आप हल्का हल्का देखोगे ना यहाँ पर शाइनिंग भी देख पाओगे। गाइज अभी आप मेरी वीडियोज को 720 के ऊपर देख पाओगे, आई डोंट नो यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ नहीं सबके साथ, मतलब ऐसा मैं ये नहीं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, आपके सेवा में हाजिर रहूंगा गाइज। बस आप लाइक करते रहिए, ठीक है, लाइक करोगे मजा आएगा तो आपको क्लास अच्छी मिलेगी। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा हाइड और अनहाइड, जिनको समझ नहीं आया वो इस वीडियो के बाद 1080 पिक्सल में आराम से बैठ के देखना। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियोस को डाउनलोड मत किया कीजिए, आप क्यों गरीब के पेट पर लात मारते हो, अगर आपने लात मारा तो गाइस आप समझ लीजिए आपका इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए। आज मैं आपको श्राप देता हूँ, छोटा सा श्राप दिया गाइस, मतलब इतना बड़ा दिल है मेरा देख रहे हो। सो गाइस प्लीज आप मेरी वीडियोस को जो है डाउनलोड मत कीजिए, उससे मेरा नुकसान होता है और नुकसान होगा तो आई थिंक आप समझ सकते हो नुकसान का मतलब क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर लॉक और अनलॉक की कहानी क्या है। लॉक करने का मतलब होता है ना ही उसमें कोई एडिटिंग में चाहता हूँ ना ही कुछ, तो राइट क्लिक करूंगा आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर किसी भी ग्रुप और कंपोनेंट को आप लॉक कर सकते हो। सिंपली आपको जाना होगा एडिट के अंदर, लॉक के ऊपर क्लिक करूंगा और ये हो गया आपका लॉक, कितना सिंपल था। अब लॉक करने के बाद गाइस आप इसको मूव नहीं कर सकते, इसके अंदर जाकर इसके अंदर तबाही नहीं मचा सकते, तबाही मतलब कि एडिटिंग नहीं कर सकते, है ना।
कितनी ज्यादा यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रोल रखता है। बहुत बार अगर आप रूम वगैरह बना रहे हो और उसके अंदर सारा लॉक जो जो बंदे जा रहा है ना, आप उसको लॉक करते जाओ, बट ज्यादा ही लॉक मत कर देना कि अब आपको अनलॉक करने में परेशानी हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो जाएंगे फिर से एडिट के अंदर, यहाँ पर अनलॉक है, यहाँ पर अगर आपने बहुत सारा लॉक कर दिया तो भी परेशान नहीं होना, ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपका अनलॉक हो गया। इसको कैसे चेंज करना है वो आपको मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा। लॉक का कलर अगर आपको लाल कलर से नफरत है, सो अगर आपका ब्रेकअप हुआ तो लाल कलर से आपको नफरत हो सकता है, जरूरी नहीं है। सो यस, यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मेक कंपोनेंट ग्रुप, जिसके बारे में आप अच्छे से जान चुके हो, ये डब्बा है माचिस का। सो इस माचिस के डब्बे को अगर आपको ग्रुप करना है तो ग्रुप कर सकते हो, इसका फायदा मैंने प्रीवियस आपको बता दिया था। यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको सेव करता हूँ, जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज करता हूँ, राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसकी डिटेल आपके पास आ रही होती है, जो कि राइट क्लिक करने के बाद भी यही डिटेल्स आप देख पाएंगे, राइट। सो बेसिकली आप इसको यहीं से करना है, इतना लंबा तमाशा ले जाने की जरूरत नहीं है। एडिट पर जाओगे और फिर देन ऑल, हाँ, फिर यहाँ पर आपके पास मिल जाता है इंटरसेक्ट फेस। ये गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अभी बता देना चाहिए या कल, सो बता ही देते हैं, अभी हमारे पास तो टाइम पड़ा ही है। ऑल राइट, यहाँ पर हमारे पास है 15 मिनट्स, सो हम इस 15 मिनट्स को और अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं फिर से एक और बॉक्स को बनाया। बॉक्स को बनाने के बाद अगर यहाँ पर मेरे को इसके बीच में से एक पाइप निकालना है, समझना अच्छे से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सर्कल या जो भी, मतलब मैंने लास्ट टाइम जो यूज किया था, फिर यहाँ पर मैंने पुल टूल का यूज किया, यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट करके कटिंग कर दिया और आप इसके आर पार देख सकते हो। ऑल राइट, यहाँ पर चलिए लेकिन कुछ एडवांस बनाते हैं, राइट, एडवांस बनाएंगे तभी मजा आएगा ना। यहाँ पर मैं सर्कल बनाता हूँ, फिर से मैंने इसके साइड्स को 26 कर दिया। अब यहाँ पर मैंने सर्कल बना दिया, सर्कल बनाने के बाद थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ताकि और मजा आए। तो यहाँ पर ऑफसेट मैं लूंगा और यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा बना दिया। अब मेरे को इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसमें कटिंग भी कर सकता हूँ, चलिए कटिंग भी कर देते हैं ताकि एक नया शेप आए। ऑल राइट, यहाँ पर इरेज, बीच वाला इसका भी काम खत्म, इसका भी खत्म, खत्म खत्म, सब खत्म। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा वॉल टाइप का बना दिया। अब यहाँ पर मुझे होल करना है गाइज, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि यहाँ पर पुल कमांड आप करोगे तो आपका काम बन जाएगा, तो गाइज ये नहीं हो सकता, यहाँ पर पुल कमांड नहीं काम करेगा आपका, बिकॉज ये टेढ़ा मेढ़ा शेप है, आप देख सकते हो, इसके अंदर कर सकते हो, बट इस केस में क्या करना होगा, चलिए उसके लिए यहाँ पर ट्रिक है, थोड़ा सा आप इसको आगे लेंगे, कहीं से भी आप कटिंग कर सकते हो, इवन साइड से, आप इस साइड से मैं ले लेता हूँ बेसिकली, कहीं आप कहो फिर चीटिंग है, चलिए दोनों करते हैं, हाँ, एक इस साइड पर करेंगे एंड देख सकते हो यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक क्या है, एंड एक इस साइड पर कहीं और ही बन गया। सो इसको मैं एक्सिस ब्लॉक करके करूंगा, राइट, थोड़ा सा और लंबा, ओके। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले स्नैप करके एक सर्कल इसी पर बनाऊंगा, जितना मेरे को होल करने का है, तो एक इतना बड़ा होल ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक छोटे में हमें इतना सा ले लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा बनाया। अब यहाँ पर मैं सिंपली इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। चलिए अब यहाँ पर मैं इन सभी को एक साथ करता हूँ सेलेक्ट, तो मैं यहाँ से करूंगा राइट क्लिक करके। अब यहाँ पर आपको सिंपली पहले तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइंस है ना, आप इसको डिलीट कर दे, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वो इंटरसेक्ट उसके बीच में भी आ रहा होगा, राइट। सो यस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इन सभी को अगर ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड हो ही जाएंगे, जैसे कि आप जानते ही हैं। फाइल को मेक श्योर एक बार सेव कर ले, फिक्स नाउ कर लेते हैं, ये प्रॉब्लम अगर होता है तो रिजॉल्व कर देता है। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एडिट के अंदर जाएंगे, इंटरसेक्ट के अंदर विद मॉडल विद सेक्शन, आप यही ऑप्शन राइट क्लिक करके भी देख सकते हो, यहाँ पर इंटरसेक्ट है विद मॉडल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपका यहाँ पर कटिंग हो चुका है। चलिए अब कटिंग को देख लेते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर फेस को रिमूव करता हूँ दोनों साइड से, यहाँ पर देख सकते हैं अब इसका काम नहीं है, चलिए हट जाइए आप यहाँ से, ओके, हट गया। हटने के बाद यहाँ पर मैंने दोनों साइड से इसको डिलीट किया। आप देख सकते हो गाइस, इस ट्रिक की मदद से आप अगर सिंक को फिक्स करना चाहते हो अपने प्लेटफॉर्म में, मान लो यहाँ पर आपको सिंक फिक्स करने का है और वो कटिंग सही से नहीं हो पा रही, तो इंटरसेक्ट विद मॉडल, मतलब कि दोनों को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इंटरसेक्ट विद मॉडल करेंगे तो आप यहाँ पर होल कर पाओगे। चलिए अब यहाँ पर तिरछा करके देखते हैं थोड़ा सा ये वर्क करता है कि नहीं। ऑलराइट, यहाँ पर फिर से मैं ट्रिपल क्लिक करूंगा, राइट क्लिक किया मैंने, एडिट और विद मॉडल के ऊपर क्लिक कर दिया और यहां पर मेरा बन चुका है होल। इधर से भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये अंदर वाला भी डिलीट।
देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमने होल कर लिया, कितना ज्यादा आसान था, बहुत ही कमाल के तरीके से मैंने आपको इन सभी को बताया। तो एडिट के अंदर भी अब आपको कोई भी ऑप्शन मैंने छोड़ा ही नहीं कोई की कोई डाउट हो। चलिए यहाँ पर लगे हाथ व्यू के अंदर भी जितना हम कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, या फिर आज हम जो है कैमरा को देख लेते हैं, बिकॉज व्यू के अंदर कुछ ज्यादा ही एडवांस है, सो हम इसको कल करेंगे, राइट। चलिए यहाँ पर कैमरा के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रीवियस जूम, अगर आप पहले वाला जूम करना चाहते हो, और अगर आप नेक्स्ट जूम जाना चाहते हो तो नेक्स्ट इससे जा सकते हो। प्रीवियस के लिए यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्बिट के पास, मेरे कर्सर के पास। सो कैमरा के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि अगर आप 2D प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक्सिस पर आ जाता हूँ, अभी आप देखना क्या होने वाला है, मैजिक समथिंग होना मैजिकल। ओके सो यहाँ पर कैमरे के ऊपर क्लिक किया मैंने, पहला प्रोजेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो ये देख सकते हो आपका सब कुछ यहाँ पर 2D बन चुका है। एक और यहाँ पर राइट क्लिक करके आई थिंक व्यू होता है, व्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये कुछ देख सकते हो। अगर अब मैं यहाँ पर आईसो के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ये आपका आइसोमेट्रिक दिखा रहा है, 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट जो अपने ईडी में किया होगा अपने सिविल या आर्किटेक्ट में। टॉप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर टॉप व्यू अच्छे से आप देख सकते हो सबका टॉप व्यू। हाँ, पर्सपेक्टिव में ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने अच्छे से देख पाए, देखिए अगर पर्सपेक्टिव ये रहता है तो उसके लिए यहाँ पर मैं फिर से पर्सपेक्टिव के ऊपर क्लिक करूंगा, और अभी आप देख सकते हो इसका 3D लुक देखने को मिल रहा है, मतलब आप उधर जा रहे हो तो ये 3D है, राइट। बट अगर मैंने यहाँ पर पैलर कर दिया तो ये देख सकते हो आप सारा 2D में देख पाओगे इसे, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं करूंगा पैलर, और यहाँ पर टॉप के ऊपर फिर से क्लिक, देख सकते हो कितने आराम से कर पा रहा हूँ। माउस के व्हील को क्लिक करूंगा प्लस शिफ्ट को होल्ड करूंगा, पेन टूल मैंने लास्ट बताया था कैसे यूज करेंगे, और ये देख सकते हो सारा का सारा आपका 2D में बन चुका है। तो इस तरीके से आप प्लान को आराम से बना सकते हो, प्लान को बनाने में काफी मजा आएगा यहाँ पर, कितना मतलब बहुत ही जल्दी आप बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर ऑफसेट ले सकते हो, ऑफसेट यहाँ पर काटा आपने, अगर इसके बीच में डिविजन है तो आप डिविजन को काट सकते हैं इसके बीच में, और अगर सिंगल लाइन को आपको मूव करना है, पर्टिकुलर आपका वॉल है तो 9 इंचेस है, अगर तो 9 इंचेस कर देंगे। सो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो, प्लानिंग करने के बाद आप इसको पर्सपेक्टिव में चेंज कर दोगे, सिंपल है। यहाँ पर पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर हो गया, समझ में आया गाइस यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कैमरे के अंदर 2-पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2-पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है आप अच्छे से जानते होंगे, क्लिक करने के बाद बेसिकली आपका 2 कोऑर्डिनेट के ऊपर ये बेसिस पर काम करता है। आपने देखा होगा बचपन में ये बीच में आपकी कॉर्नर फेस मकान देखना, काफी सारे आइडिया गूगल क्रोम पर आपको मिल जाएंगे देखने को किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, 2-पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर चलिए अब आगे चलते हैं, वैसे अब आज का क्लास खत्म ही होने वाला है, ऑलमोस्ट हम पास में है। तो फील्ड ऑफ व्यू, जिसके बारे में अभी आपको बात नहीं करना, बेसिकली आपके कैमरे के पोजीशन को अलग अलग कर देता है। ये देखिए 2-पॉइंट पर्सपेक्टिव अब आपको याद आ रहा होगा ना, कॉर्नर वाला ऐसा मकान आप खिड़की उड़की लगा देते थे साइड में और कहते थे ओ माय गॉड इतनी जल्दी ड्राइंग बन जाती है, क्या टेक्निक है। हाँ, सो आप इस तरह से फील्ड ऑफ व्यू कर सकते हो। सो वैसे बेसिकली 35 इज द बेस्ट वन, जो कि काफी नेचुरल लुक देता है। अगर आप में कुछ सेटिंग्स आपने गड़बड़ कर दी है तो आप यहाँ पर इसको रिवर्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पर फिर कैमरा के अंदर जाते हैं, ऑर्बिट इन सबको मैंने बता दिया था, पोजीशन कैमरा आप जानते हैं, पोजीशन कैमरा लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था, ये जो छोटे से अंकल जी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अब अपने हाइट से यहाँ पर मैच करवा सकते हो। ये देख सकते हो मैं बिल्कुल यहाँ पर जो मेरा हाइट वैसे 5'9" है, सो यस, यानी कि गर्ल्स की हाइट और छोटी दे रखी है इसमें। हाँ, तो चलिए जो भी है हमें क्या करना। ऑलराइट, यहाँ पर फिर कैमरा के अंदर जाते हैं, अब आपको सब कुछ समझ में आ गया, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ड्रॉ के अंदर भी कुछ भी नहीं है, देख सकते हो। हाँ, मैं आपको सैंडबॉक्स बता दूंगा क्या यूज होता है, बिकॉज जो भी यहाँ पर आपका स्केचअप के अंदर है वो सब कुछ मैं कवर करवा दूंगा, गारंटेड 100% श्योर। तो आज के इस लेक्चर में आपको काफी कुछ मैंने बनाकर दिखाया, वाइन ग्लास बनाया आपने इतनी आसानी से, कलर किया इसके ऊपर, हमने क्या क्या नया सीखा आप देख सकते हो, तबाही मचा दिया मतलब कुल्ले देके। तो अगर ये तबाही आपको पसंद आई तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करिए, मतलब कि मेरे लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए, सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आई मीन जो आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है उनको भेजो, बोलो कि देखो, ठीक है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं ली जा रही है, और गरीबों की मदद करिए इन कोरोना डेज में, उनकी काफी नीड है, जिनके थोड़े से पैसे अब खत्म हो रहे हैं, काफी सेविंग्स थी। वैसे तो काफी अच्छा किया है गवर्नमेंट ने कि वाइन की शॉप्स बंद कर रखी हैं, अदरवाइज जो कुछ पियक्कड़ होते हैं वो यहाँ पर इस वाइन ग्लास के अंदर कुछ और ही आनंद ले रहे होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, जो भी है, आनंद लेने वाले लेते ही हैं, पैसे वाले हैं उनके पास। ऑलराइट, सो जो भी है, यहाँ पर मेरी वीडियोज को आप लाइक कीजिए, और वीडियोज को आप देख सकते हैं अपने नॉलेज को और इंक्रीज करने के लिए।
आप काफी सारे आप नए नए शेप्स को बना सकते हो। कोई भी डाउट आता है आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपके साथ जरूर कनेक्ट होऊंगा। आप इतना सपोर्ट देते हो मुझे काफी अच्छा लगता है। काफी सारे आपने कमेंट किए, सभी का वेलकम। जो भी अगर अभी भी कोई आ रहा है सो उसके लिए भी वेलकम, कोई जा रहा है उसके लिए भी गुड नाइट। एंड चलते हैं आगे, फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लाइव स्ट्रीम। थैंक यू सो मच, गुड बाय।